यहाँ आए हुए सब जीवों के अंदर विराजमान उस परमपिता को मेरा प्रणाम। वो परमेश्वर परम तत्व आत्म स्वरूप रोम रोम में रमण करने वाला वो परमात्मा जिसकी खोज के अंदर जब तक जीव शिव का रूप नहीं हो जाता, जब तक ये आत्मा चेतना में नहीं पहुंच जाती, तब तक साधक सब साधक अपने अपने अनुसार अपनी अपनी पद्धतियों से अपनी अपनी क्रियाओं से अपने अपने गुरु के अनुसार जैसे उन्हें साधना सिखाई जाती है, जिस रास्ते के ऊपर चलाया जाता है, जिस माध्यम से उन्हें स्वयं की खोज कराई जाती है, जब तक जीव चलने का प्रयास नहीं करता, अपनी इंद्रियों के ऊपर पकड़ नहीं करता, मन के ऊपर पकड़ नहीं करता, विचारों के ऊपर पकड़ नहीं करता और अहंकार तब तक पकड़ में नहीं आ सकता, और जब तक ये जीव का अहंकार इतना विशाल हो जाता है, पहले पदार्थों का अहंकार, फिर माया का अहंकार, फिर संसार का अहंकार, फिर शरीर का अहंकार, फिर स्त्री पुरुष का अहंकार इतने स्वरूप ले लेता है, इतने छुप छुप करके मन के अंदर बैठ जाता है, जीव सोचने लगता है कि मैं ब्रह्म हो गया, मैं पार हो गया, मुझे दर्शन हो गए। लेकिन मैंने इतिहास उठा के देखा, जिनके सामने साथ साथ विराजमान रहे, जिनके साथ युद्ध हुए, जिनके साथ लड़ाइयाँ हुई, जिनके साथ खाया पिया उन्होंने अवतारों ने, जो महापुरुष धरा के ऊपर आए, जिनके साथ दो प्रकार के कार्य होते हैं भक्तों के अंदर। एक तो भक्त होते हैं फॉलोअर, जो उनके चलने का, खाने पीने का, रहन सहन का, वस्त्रों का, जिस प्रकार बाहरी क्रियाकलाप होते हैं भजन का, कि माला फेरते देखे गुरुजी तो हम माला फेरने लगे, हम अगर वो कुछ खाते पीते दिखे हम वही खाने लगे, जैसा वो चल रहे हैं वैसा ही चलने लगे, जैसा वो तो वस्त्र डालते हैं हम भी उनके अनुसार ही वस्त्र डाले, जैसा वो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करें, ये लोग फॉलोअर होते हैं, जो फॉलो करते हैं हमारे संतों को, महापुरुषों को, अवतारों को फॉलो करते हैं, कि जो जिस रास्ते के ऊपर वो चले उसी से हम, लेकिन वो फॉलो तो करते हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते, अपनी मंजिल के ऊपर वो चाहते जरूर है कि पहुँच जाए, वो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये रास्ता फूलों का नहीं है, ये रास्ता वो है जो हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने, अवतारों ने, ऋषि महर्षियों ने, वेदों ने जो हमें दिखाया है, उसके ऊपर अगर हम नहीं चलेंगे तो बाहरी चीजों को हम फॉलो करते जाएंगे तो आप अंदर में नहीं उतर सकते, और जब तक आप अंदर में नहीं उतरोगे, खोज के लिए नहीं उतरोगे, सागर में किस प्रकार से आप मोती ला सकते हो, उसी प्रकार से आप आत्मा की खोज नहीं कर सकते। अगर आपके सामने परमात्मा खड़े हैं और तो भी अगर आप एकाकार नहीं कर पाए, अगर बीच में एक पर्दा भी रहा, जिस प्रकार से नदी अगर सागर में नहीं मिली, चाहे किनारे के ऊपर जा करके समाप्त हो जाए, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार से ये इस जीव की यात्रा जब तक उस सागर के अंदर नहीं मिल जाती, परम तत्वों के अंदर नहीं मिल जाती, तब तक इस जीव की यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। तो आप जितना भी कोशिश करेंगे, जिस भी रास्ते से चलेंगे, यहाँ समय का बहुत अभाव है,
तो जिस भी रास्ते से चलने का प्रयत्न करे, किसी भी प्रकार से पहुंचे, लेकिन अपनी मंजिल को प्राप्त करे, बिना मंजिल के ऊपर पहुंचे हुए जीव किसी भी प्रकार से चाह करके भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। चाहे कितना भी भाग दौड़ करे, कितना भी प्रयास करे, कितना भी कुछ भी करे, जब तक उस परमात्मा से एकाकार नहीं होगा, ये जीव उसके अंदर नहीं मिल जाएगा, तब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आप इसी प्रकार से भ्रमते रहोगे, संसार के अंदर भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, और जो सिद्ध हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो पितर योनि के अंदर नहीं आते, ना वो श्राद्ध के अंदर जाते हैं, ना उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो पूर्ण तत्व हो जाते हैं, न उनमें कुछ पाना शेष होता, ना धोना शेष होता। तो आप साधना कीजिए, प्रयास कीजिए, जितना भी कर सकते हैं, मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए यही कहूँगा, जितने भी जीव आए हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने गुरु ने जो रास्ते दिखाए हैं उनके अनुसार आप चलने का प्रयत्न कीजिए। अगर फिर भी परमात्मा की प्राप्ति ना हो तो अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ करके दूर कीजिए, और एक बार फिर आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा बार बार प्रणाम।